हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वही कुकिंग क्रिएशन में। मैं महिमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ काजू नमक पारे। और ये खाने में बहुत ही खस्ता और एकदम मसालेदार है फ्रेंड्स। मसाले आप बिल्कुल अपने पसंद के हिसाब से बनाएं, जैसा भी आपको खट्टा मीठा पसंद हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन चाहिए, जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 कटोरी मैदा। अगर आप मैदा खाना पसंद नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसमें 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा भी ले सकते हैं, दोनों बराबर मात्रा में। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा अजवाइन और जीरा आधा आधा चम्मच, और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें बेकिंग सोडा, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि फूले फूले से अच्छे काजू बने। और फिर इसमें घी डाल के इसे मिक्स कर देना है। अगर आपके पास देसी घी है फ्रेंड्स तो डालिए, नहीं तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जितना अच्छा मोयन देते हैं हम, उतना अच्छा ही हमारा नमक पारा बनता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और जब ये मैदा अच्छे से एक दूसरे में चिपकने लगे, या फिर आप इसे मुट्ठी बनाकर हाथों में भी लेके देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब इसका लड्डू बनने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा मोयन तैयार है। और फिर इसमें हमें पानी डालकर गूंथ लेना चाहिए। पानी हम नॉर्मल ही लेंगे, ठंडा या गर्म नहीं लेना है बहुत ज़्यादा। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें गूंथना है और डो को थोड़ा हमें सख्त ही रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डो एकदम तैयार है। और अब हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। देखिए, मैं ढक्कन हटा के इसे वापस से गूंथ लेती हूँ एक बार और। इसके बाद मैं इसे चकली पे रख के इसको चाकू से 4 भागों में कट कर लूँगी। इसके बाद मैं इसका पेड़े बना के और फिर इसे बेल लूँगी फ्रेंड्स। इसे थोड़ा मोटा ही बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। बेलने के बाद इसे हम एक ढक्कन की मदद से काजू के शेप में काट लेंगे। ढक्कन आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे बॉटल का या कोई भी कोई सिरप वगैरह हो उसका, तो इससे आसानी से ये कट जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से सारे कट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बिल्कुल काजू के शेप का ही लग रहा है। और अब हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई गरम करूंगी और उसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। तेल आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से फ्रेंड्स कर सकते हैं। इसके बाद मैं ये काजू डाल दूंगी। इसे डालते समय फ्लेम एकदम लो रखना है फ्रेंड्स, और जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर आने लगे तो हमें फ्लेम को मीडियम पे रख के इसको गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काजू कितने फूले फूले से और एकदम गोल्डन कलर के हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी प्रोसेस से हम सारा काजू फ्राई कर लेंगे दूसरी बार भी। तो देखिए फ्रेंड्स, काजू ये कितने छोटे छोटे से और पतले हैं, और तेल में फ्राई होने के बाद ये थोड़े से फूले फूले से हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान से इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा ज़रूर मिला है, या फिर आप इसमें खाने वाला सोडा भी मिला सकते हैं। तो सोडा ज़्यादा नहीं करिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो ये फूल के फट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सारे काजू फ्राई हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, काजू बनके अब तैयार है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, अगर आपको तीखा या चटपटा नहीं पसंद है तो। अगर आपको थोड़ा मसालेदार चाहिए तो चलिए अब हम वो भी बनाते हैं। सबसे पहले एक छोटे कटोरी में इसे निकाल लूँगी और फिर इसमें मैं मिलाऊँगी काला नमक और जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च। लाल मिर्च आप थोड़ा और ज़्यादा मिला सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा खट्टा भी पसंद है फ्रेंड्स, तो आप इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर मिला दें आधा चम्मच। वो सब चीज़ें मिलाने के बाद इसे हम ऐसे टॉस कर लेंगे ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहे तो इसे ढक के इसे अच्छे से मिला सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब ये खाने के लिए बिल्कुल चटपटा सा काजू नमक पारा तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस होली आप भी इस तरीके से नमक पारा बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा।
और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।